प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की घोषणा पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के काले कानून को सरकार को वापस लेना ही था। वहीं इन्होंने इसे किसानों की जीत करार दिया है। प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को नहीं समझा पाने की बात पर उन्होंने कहा कि देश के किसान समझदार हैं और उन्होंने काले कानून को समझा है, जिसको लेकर एक साल तक आंदोलन किया गया और किसानों की जीत हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और ऐसे काले कानून के खिलाफ देश की जनता को आगे भी खड़े होने की जरूरत है। एक वर्ष से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी पंजाब में पदयात्रा में और किसान कानून का विरोध कर रहे थे। आज तो जीत हुई है किसान भाइयों का, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का। आखिर ये काला कानून कोई भी सरकार लाएगा किसानों के खिलाफ में, उसे वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कानून की ज़रूरत नहीं है। आप कॉरपोरेट घराने को भरने का काम कर रहे हो, इसलिए एक काला कानून जो वापस लिया है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ हम अपने किसान भाइयों पर कि आपकी स्ट्राइक, आपका धरना, आपका आंदोलन आज सरकार को, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। हम आग्रह करेंगे कि आप लोग ऐसे ही कभी भी ऐसा कानून आए तो आंदोलन करिए और कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी, आदरणीय राहुल गांधी जी आपके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को हम समझा नहीं पाए, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। ऐसा है कि कोई कानून बनता है, जिस दिन से बना उसी दिन से विरोध हो रहा है। किसान भाइयों को समझा नहीं पाइएगा, वो तो अन्नदाता हमारे हैं। किसान तो हमेशा पूरे देश की जनता को अन्न देने का काम करते हैं। क्या वो बेकूफ थे जो समझा नहीं पाए? आपको किसान वापस, आपको ये कानून लेना पड़ा इसलिए कि ये कानून गलत था। और आप बता दें कि चुनाव जब जब आता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ही काम करते हैं। कभी देश खतरे में है, आदरणीय इंदिरा गांधी जब थी और पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था, दो फांक में टुकड़ा कर दिया था पाकिस्तान को, आप यह कह के जनता को गुमराह करके वोट लेते हैं। और आज किसान भाइयों का जो आंदोलन चल रहा था, आप एक वर्ष तक ध्यान नहीं दिए। अभी आपको यूपी चुनाव और कोई चुनाव आता है तो उसके बाद आपको ध्यान लगता है। आप तो गलत काम कर ही रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, कम से कम जनता के ताकत पर आप वहाँ बैठे हैं, इसको याद रखिए। नमामि गंगा के तहत मसाल जुलूस पूर के बरारी गंगा घाट पहुंची, जहां गंगा उत्सव पर कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर गंगा मसाल जलती रहे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत DDC प्रतिभा रानी, शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव, नमामि गंगे टास्क फोर्स टीम के LN जोशी समेत कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में मसाल को गंगा तट पर बसे जिलों के राज्यों से होते हुए मसाल जुलूस को भागलपुर बरारी के सीढ़ी घाट में लाया गया। उसके बाद नमामि गंगे के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में गंगा के प्रति श्रद्धा एवं स्वच्छता बरकरार रहे, इस पर सबों ने अपने संबोधन को विशेष बल दिया। मसाल जुलूस की शुरुआत ऋषिकेश से हुई, जिसके बाद 5 राज्यों की हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर भागलपुर के बरारी गंगा तट पर पहुंची। 5 राज्यों से लेके मसाल को लेके चल रहे हैं और उद्देश्य इसका यही है कि लोगों से मिलके लोगों के दिलों में गंगा की सफाई और आसपास की जितनी छोटी बड़ी नदियां हैं उन सब की सफाई और उनके पुनरुत्थान के लिए लोगों के दिल में जो फीलिंग्स है, जो भाव है, जो सो गया है या खो गया, उसको दोबारा जागृत करना है। और ये इसी क्रम में हम लोग आज भागलपुर आए हुए हैं और यहाँ लोगों का उत्साह काफ़ी अच्छा। हम लोग उत्तराखंड के ऋषिकेश से हमने शुरू किया था, ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में कवर किया था और अभी बिहार में हम इंटर कर चुके हैं और बिहार का ये हमारा आखिरी स्टॉप है, इसके बाद हम झारखंड में प्रवेश करेंगे। देखिए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी नदियों के किनारे पे, उतना ज़्यादा नदियों के ऊपर लोड आता है, तो बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और उसी ज़रूरत को जागृत करने के लिए, लोगों के दिलों में इसी भाव को पैदा करने के लिए हम लोग मशाल के साथ यात्रा करके निकले हुए। बिल्कुल, देखिए ये गंगा जो है इतनी विस्तृत है और हर वक्त इसका रूप बदलते रहता है। जैसे अभी बाढ़ आई तो गंगा का रूप और मतलब विकराल हुआ, फिर अब धीरे धीरे वाटर लेवल घट रहा है। तो इस इतनी बड़ी जो नेचुरल फोर्स है, इसमें काम करना बहुत आसान नहीं है और साथ में पब्लिक भी है, उनके कल्चरल वैल्यूज़ है, कुछ नीतियाँ जो बहुत सालों से चली आ रही हैं उसमें लोगों को समझाना, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। धरातल पर निश्चित रूप से काम होता है लेकिन उसका आउटपुट दिखने में थोड़ा समय लगेगा। तो आपने भी कहा कि जो गंगा के किनारे के लोग हैं उनको समझना चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े नाले गंगे में प्रवाहित किए जा रहे हैं उस सिर्फ आसपास के लोग ही समझेंगे या फिर कोई और भी लोग, उनकी जिम्मेदारी? और लोगों की भी जिम्मेदारी है और उसके लिए जो और लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं। आप लोगों को भी जानकारी है कि
गंगा में जो भी नालियाँ प्रवाहित होती हैं उसको रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण कराया जा रहा है। तो जैसे जैसे काम हो रहा है सबका आउटपुट दिखेगा, बट इसके लिए सभी लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है और उस काम में अपना अपना सपोर्ट जो है, अपना सहयोग जो है वो देने की आवश्यकता है। भागलपुर की विधायक सह बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती आयोजित की गई। साथ ही भीकनपुर गुमटी नंबर 3 के पास इंदिरा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में विधायक अजीत शर्मा ने उनके तैलीय चित्र पर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी एक ऐसी मिसाल है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सचमुच इंदिरा गांधी आयरन लेडी के रूप में उभरी और भारतवर्ष में कई बदलाव किए जिससे आज हम कई सेक्टर में अच्छा काम कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला कानून वापस लिया है, इसके लिए राहुल गांधी ने किसानों के साथ पूरी मेहनत की, तब आज नरेंद्र मोदी ने काला कानून को वापस लिया है। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेश जमाल, कार्यकारी अध्यक्ष अभय आनंद, कोमल सृष्टि, सुईन अंसारी के अलावे कांग्रेस के कई नेता भी उपस्थित थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में प्रत्याशियों की सरगर्मी बढ़ गई है। प्रत्याशी एक दूसरे को पछाड़ने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। 12 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर 18 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के दूसरे दिन कठरा पंचायत के निवर्तमान मुखिया अमित कुमार रवि ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान समर्थकों ने मुखिया प्रत्याशी अमित कुमार रवि को फूल माला व रंग गुलाल लगाकर जीत की अग्रिम बधाई दी। वहीं निवर्तमान मुखिया ने अपने किए हुए कार्यों को लेकर लोगों से मेहनताना के रूप में मतदान करने की अपील की है। हम अभी निवर्तमान मुखिया हैं और मैं जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 5 साल जो है अपने समाज का सेवा किए हैं, अपने पंचायत को जो है आगे बढ़ाए हैं और पंचायत के विकास के लिए हम कृत संकल्पित हैं और आगे जनता जनार्दन जो है हमें आशीर्वाद देगी तो हम जरूर जो है पंचायत को जो है सर्वांगीण विकास के पथ पर ले जाने का काम करेंगे। और मेरा घोषणा पत्र भी है कि कटहरा पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित करने का काम करेंगे जो कि पूरे जो है सुल्तानगंज प्रखंड ही नहीं भागलपुर जिला और बिहार में जो है मेरा कटहरा पंचायत का नाम रोशन हो। सुल्तानगंज प्रखंड में अंतिम चरण में 12 दिसंबर को 18 पंचायतों में मतदान होना है। शुक्रवार को नामांकन के दूसरे दिन प्रत्याशियों के साथ समर्थकों की भीड़ प्रखंड कार्यालय परिसर में दिन भर उमड़ती रही। भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर प्रखंड कार्यालय में जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नामांकन को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर के विभिन्न पदों के लिए कुल 30 काउंटर बनाए गए, जिसमें ई किसान भवन में मुखिया के लिए 2 काउंटर बनाए गए, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 2, सरपंच के लिए 25, पंच और वार्ड सदस्य के लिए 18 काउंटर बनाए गए। नामांकन के दौरान प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी से BDO मनोज कुमार मुर्मू, CEO शंभू शरण राय, थाना अध्यक्ष लाल बहादुर भी मौजूद रहे। नामांकन के दूसरे दिन विभिन्न पदों के लिए 150 से अधिक प्रत्याशियों ने अपने नामांकन के साथ नारेबाजी करते हुए प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचा, नामांकन का पर्चा दाखिल किया। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने श्रद्धालुओं की अपार भीड़ दिन भर उमड़ी रही। बिहार झारखंड सहित नेपाल के श्रद्धालु पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान कर मां गंगे की पूजा अर्चना की। वहीं इस माह कार्तिक स्नान करने वाली माताओं और बहनों ने भी उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और फल फूल लाई, धूप दीप मेवा इत्यादि से मां गंगा की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद गंगा तट पर गरीब और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र सहित अन्य वस्तुएं दान की। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान विशेष महत्व होने के कारण मिथिलांचल से पहुंचे हजारों कंवरिया श्रद्धालुओं ने भी सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी में स्नान ध्यान कर कांवर में जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए प्रस्थान किए। अत्यधिक भीड़ होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंगा घाटों पर SDRF की टीम तैनात रही। वहीं गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसको लेकर गंगा घाटों पर महिला व पुरुष बल की भी तैनाती की गई थी। आज का स्नान कार्तिक महीना का एक महीना का स्नान है, विष्णु का सबसे प्रिय कार्तिक माह है। इसमें मतलब जो होता है बैगन होता है, करीमा होता है, जैसे मूली होता है, जैसे घिवरा, ये सब चीज बारना पड़ता है। और उसके बाद से कार्तिक महीना में एक महीना में कौवा स्नान सूर्य उदय होने से पहले नहाना पड़ता है। तुलसी के दीप जलाने से जन्म जन्म का पाप नष्ट होता है। और ये महीना के जो लास्ट महीना है पूर्णिमा के, उसमें कौवा का भोजन करना पड़ता है। उसके बाद से गंगा घाट पूजना पड़ता है। सब चीज दान पुण्य करके गंगा नहाने के मतलब एक अस्मय जग के फल बराबर ये मतलब फल मिलता है कार्तिक में।
आज की गंगा स्नान का सबसे बड़ा महत्व होता है कि कार्तिक मास में सबसे ये भगवान विष्णु भगवान जी का सबसे प्रिय मास होता है ये, ठीक है। इसमें एक एकादशी दो माह की एकादशी पड़ती है, इस एक माह में दो माह की एक अमावस्या की और एक ये पख का दो को पख का तो सबसे बेहतर हो जाता है। सबसे ये कार्तिक महीना मास का सबसे प्रिय होता है भगवान विष्णु का। और इसमें स्नान से और इसके स्नान से मतलब जन जन के पाप कट जाते हैं। इससे ज्यादा बड़ा महत्व तो कोई भी महीना का। कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से। कितना आस्था है माँ गंगे के प्रति? आपकी गंगा माँ के प्रति कितना आस्था है आपको? बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। साल में कितने बार आते हैं? साल में एक बार आते, इसी माह में आते हैं पूर्णिमा स्नान में। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा तटों पर गंगा स्नान को लेकर अहले सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भागलपुर बांका सहित भागलपुर के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड के सीमावर्ती जिलों से बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट जहाज घाट पुल घाट सहित अन्य गंगा तटों पर पहुंचे और गंगा स्नान कर दीपदान किया। कार्तिक मास में पड़ने वाले पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सभी पूर्णिमा में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से लोगों के समस्त पापों का नाश होता है और लोग गंगा स्नान करने के बाद पूजा पाठ कर दीप चलाकर गंगा में प्रवाहित करते हैं। वहीं घाटों की स्थिति काफी दयनीय होने के कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा।